तो क्या मान गए गुरु? नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। मैं हूं आपके साथ तिलक चावला। यूपी सरकार और योग गुरु बाबा रामदेव के बीच पतंजलि फूड पार्क को लेकर चल रही तनातनी के खत्म होने की उम्मीद बढ़ी है। पतंजलि ने ग्रेटर नोएडा में फूड पार्क लगाने की योजना बनाई थी। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इसके लिए बाबा रामदेव की कंपनी को ग्रेटर नोएडा में जमीन आवंटित की थी अपने शासनकाल के वक्त। योगी सरकार की हिला हवाली के वजह से योग गुरु की कंपनी ने प्रोजेक्ट से हाथ पीछे खींचने की घोषणा कर दी थी। अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद इस मामले में दखल दिया, तब जाकर बाबा को मानने की खबरें सामने आ गई। जी हां, खबर तो यही है कि बाबा मान गए हैं, मगर इस पूरे विवाद ने कई सवाल खड़े कर दिए। ऐसे में मुद्दे की बात का सबसे पहला सवाल यही कि पतंजलि और योग गुरु सरकार के विवाद का आखिरकार जिम्मेदार कौन है? क्या योग गुरु को मनाने में कामयाब हुए योगी? सवाल यह भी कि क्या इस विवाद से योगी की मुहिम को झटका नहीं लगेगा, और क्या निवेशकों के सामने इस पूरे विवाद का गलत संदेश नहीं गया? अब क्या पतंजलि के रुख से सीख लेगी यूपी सरकार, योगी सरकार, और क्या इसी हिला हवाली के रवैये की योगी सरकार पर अब किसी पर गाज गिराएगी? जी हां, क्योंकि कहीं ना कहीं कमी ना कमी किसी ना किसी की हुई है। तो चलिए मुद्दे की बात आज इन्हीं सवालों पर। ये तस्वीरें याद होंगी आपको, जब मोदी सरकार के 4 साल पूरे होने के बाद पार्टी समर्थन के लिए संपर्क अभियान चला रही बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ने योग गुरु बाबा रामदेव से मुलाकात की थी, कि इन मुस्कुराती हुई तस्वीरों के कुछ वक्त के बाद ही योग गुरु यूपी की योगी सरकार से यूं खफा खफा हो जाएंगे। उनकी नाराजगी का इजहार पतंजलि के कर्ता धर्ता उनके सहयोगी पाल कृष्ण ने कुछ यूं बयां किया। तो इतना लंबा चौड़ा काम नहीं था जिसके लिए हम लोग इतने महीने साल भर लगा दिया, वो कुछ दिनों का काम था। उसमें तो एक सिंपल सा एक छोटा सा कैबिनेट नोट लगना था, उसमें अप्रूवल होना था, उसमें कोई ना कोई रेवेन्यू का लॉस था, ना कोई ऐसा कोई बड़ा डिसीजन था, कुछ भी नहीं था। ये परेशानी है, यदि हमको काम करने के लिए अनुकूल वातावरण नहीं मिलेगा तो हम काम कैसे करेंगे? इसी गुस्से ने समूची यूपी की योगी सरकार को हिलाकर रख दिया। बाल कृष्ण गरज भी रहे थे और यूपी की योगी सरकार पर बरस भी रहे थे। यूपी के ग्रेटर नोएडा में बनने वाले फूड एंड हर्बल पार्क के लिए जमीन आवंटन यूपी की योगी सरकार की हिला हवाली से रद्द किए जाने से खफा पतंजलि की नाराजगी योगी सरकार की नींद उड़ाने के लिए काफी थी। मानो योगी सरकार का हर मंत्री पतंजलि के रुख के बाद अनुलोम विलोम की मुद्रा में दिखाई दे रहा था। समूची सरकार एक टांग पर योग की मुद्रा में आ गई और कह दिया कि बाबा की हर शर्त सराखों पर। प्रस्ताव लगभग तैयार था, वो प्रस्ताव जल्दी कैबिनेट में आएगा, हम उसको स्वीकृति देंगे। कल माननीय मुख्यमंत्री ने भी इसका संज्ञान लिया है, मुख्यमंत्री ने बालकृष्ण जी से वहां पर बातचीत करी है। उस आधार के ऊपर जो उनकी नाराजगी थी उनको स्पष्ट कर दिया गया कि उसमें कोई कारण नहीं है नाराजगी का, उसमें जो प्रोसीजरल दिक्कतें आ रही थी उसको एक्सपेडाइट करके यथाशील उसका विस्तार करें। साफ था इस फूड पार्क को बचाने के लिए योगी सरकार किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार दिख रही थी। बाबा रामदेव नाराज भी ना हो और इसका राजनीतिक नुकसान भी ना हो, इसलिए राज्य सरकार की ओर से जल्द ही मामले को सुलझाने का दावा भी होने लगा। कुछ ही घंटे बाद खबर आने लगी कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद बाबा रामदेव से फोन पर बातचीत की और उन्हें मना लिया। पिछले अखिलेश सरकार का एक और कारनामा है जिसके कारण मेगा फूड पार्क पे ये समस्याएं बनी है। पिछली सरकार ने जब ये करार किया था तो इसे दिसंबर 2017 में ही पूरा हो जाना चाहिए था, बावजूद इसके जो कठिनाइयाँ उन्होंने अपने इस करार में कर बनाई दी थी उसके कारण ही अब तक इतने लिंगर ऑन होना पड़ा है। मुख्यमंत्री जी के जैसे ही संज्ञान में आया, मुख्यमंत्री जी ने स्वयं बालकृष्ण जी से बात करके इस बात का निवेदन किया है कि वो मेगा फूड पार्क को बाहर लेकर के न जाए। जो भी समस्याएं हैं
अगली कैबिनेट डिसीजन से हम उन समस्याओं का समाधान करेंगे, उत्तर प्रदेश से हम निवेश बाहर नहीं जाने देंगे। अखिलेश यादव ने अपने कार्यकाल के दौरान नोएडा में मेगा फूड पार्क के लिए जमीन उपलब्ध करवाई थी, लेकिन उसके बाद राज्य के दूसरे जिलों में भी बाबा रामदेव ने जमीन के लिए आवेदन दिया था, जिस पर धीमी रफ्तार की वजह से योग गुरु बाबा रामदेव पहले भी दो बार योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर चुके थे, मगर बात नहीं बनी तो नाराजगी गुस्से के गुबार में फूट पड़ी। आपको ये भी बता दें कि कुछ समय पहले लखनऊ में हुए इन्वेस्टर समिट में भी बाबा रामदेव या उनकी कंपनी पतंजलि ने उसमें हिस्सा नहीं लिया था, और उसके पीछे भी वजह यही फूड पार्क बताया गया था। एक तरफ योगी और दूसरी तरफ योग गुरु भगवा पहने दोनों के बीच की केमिस्ट्री ने बीजेपी के साथ उनके मधुर रिश्तों की गवाही कई बार दी, मगर इस बार योग गुरु का यूं नाराज होना साफ था कि पतंजलि कंपनी के इस कदम से यूपी में निवेशकों को गलत संदेश जाता। फिलहाल गुरु मान गए, अब मानो योग गुरु के दंड बैठक के बाद समूची योगी सरकार की जान में जान आ गई है। उत्तर प्रदेश सरकार भले ही इन्वेस्टर्स मीट करा के बड़े बड़े उद्योगों को प्रदेश में लाने का प्रयास कर रही है, लेकिन पतंजलि मेगा फूड ने प्रदेश से बाहर जाने की बात की है, उससे एक बात तो साफ हो गया है कि प्रदेश सरकार की नीयत और नीयत को लेकर जो सवाल थे वो अभी भी स्पष्ट नहीं है, और यही एक बड़ी वजह है कि उद्योगों को लेकर अभी भी जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं कहीं ना कहीं उनमें संशय बना हुआ है। कैमरामैन विष्णु राठौर के साथ राजवीर सिंह, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो देखा आपने, सवाल कई बाकी हैं और उन सवालों का जवाब मुद्दे की बात में हम तराशेंगे। आपको बता दें कि लखनऊ से हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, अशोक पांडे जुड़े हुए हैं, बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखेंगे। विकास श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पार्टी के प्रवक्ता हैं। कांग्रेस की ओर से साथ साथ हमारे साथ अजीज खान जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी की ओर से एके मिश्रा साहब जुड़े हुए हैं। इनसे भी हम समझेंगे राजनीतिक विशेषज्ञ, साथ साथ अगर इन्वेस्टर के नजरिए से चीजों को देखना और समझाएं तो हम एके मिश्रा साहब के पास भी चलेंगे। अशोक पांडे साहब, शुरुआत आपके साथ करना चाहेंगे। सर मैं उम्मीद करूंगा कि आप सूबे की आवाम को गारंटी देने लायक हैं कि अब बाबा रामदेव फूड पार्क यूपी से कहीं और लेकर नहीं जाएंगे। 100% बिल्कुल श्योर। किस चीज के लिए? मेगा फूड पार्क तथा अन्य उद्योग, ये हमारी सरकार की नीति है कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार सृजित हो, उद्योग लगे, कल कारखाने लगे, हमारे युवाओं को रोजगार मिले, यही तो हमारा एजेंडा है और उस पर हम अमल कर रहे हैं, और 100% कोई भी उत्तर प्रदेश से उद्योग नहीं जाने देंगे। अशोक पांडे जी, आपको लगता कि ये संदेश इस पूरे विवाद से ये गया कि भाई जब बाबा रामदेव की नहीं सुन रही सरकार तो हमारी क्या सुनेगी, निवेशक क्या सोचेंगे? अब देखिए, उसमें कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन इसमें कोई संशय नहीं था कि उत्तर प्रदेश की सरकार ये दृढ़ संकल्पित है कि उत्तर प्रदेश में उद्योग कल कारखाने लगे, जहां से रोजगार सृजित हो, इसमें कोई संशय नहीं है, हमारे एजेंडे में है और उसको प्राथमिकता में लेकर के काम कर रहे हैं। अशोक जी, कुछ तो वजह रही होगी ना कि आपको आकर सफाई देनी पड़ रही है, क्या रहा विवाद बताइए ना सर। देखिए, विवाद कुछ नहीं था, थोड़ी सी व्यस्तता सरकार के अन्य कामों में रहने की वजह से। नहीं, ये काम सरकार ने थोड़ी ना करना था, इस वजह से थोड़ा विलंब हुआ। बाकी कोई जो है मिशन में कोई हमारे कोई अंतर नहीं था, ना कोई मतभेद था। सर आप क्यों साबित कर रहे हैं आपकी सरकार नारों की सरकार है? ज्यादा से ज्यादा उत्तर प्रदेश में कारखाने। नहीं, अशोक जी, आप लोगों को ये क्यों साबित करना पड़ रहा है कि भाई हमारी सरकार नारों की सरकार नहीं है? अब तो सवाल उठेंगे ना साहब, जब बाबा रामदेव के साथ आप ऐसा कर सकते हैं। अगर अशोक जी बालकृष्ण एक्शन में नहीं आते, वो ट्वीट ना करते, तो फिर भी आपकी सरकार तो सो ही रही थी ना। नहीं, अब ये देखिए, ये तो अंदरूनी क्या वजह है ये हमें नहीं मालूम, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि हमारी सरकार कल कारखाने उद्योग लगाने के प्रति दृढ़ संकल्पित है, उसमें किसी प्रकार की कोई हिला वाली नहीं होगी,
आदरणीय जैसे मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में बात आई, उन्होंने तत्काल सारे अक्षर और आदरणीय बाबा जी से बात की है, पूजनीय बाबा जी से बात की, और उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी जाएगी, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। सर जिम्मेदार कौन है ये तो बता दीजिए जी, कोई तो जिम्मेदार होगा ना। अब ये तो अंदर की बात है, ये तो पता करनी पड़ेगी कि उसका इतना विलम्ब क्यों हुआ, कहीं उधर से कहीं कोई देरी तो नहीं हुई, या हमारी सरकार में बैठे हुए अधिकारियों से कोई कमी रही हो, ये तो उसमें जांच का विषय है, वो तो पता किया जाएगा। आपको पता है इसका साइड इफेक्ट क्या होगा, यानी आप मान रहे हैं ना कि चूक हुई है और अधिकारियों की चूक है। देखिए हम ये नहीं मान रहे, अभी तो आपने बोला क्यों हुआ इसका हमें अभी इसकी जानकारी नहीं है। अभी तो आपने बोला नहीं है कि विलंब नहीं, ये विलंब क्यों हुआ इसमें कोई हो सकता है क्रिटिकल प्रॉब्लम नहीं हो, कोई टेक्निकल कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तो इसकी वजह से देर हुआ हो, ये हमें मालूम नहीं है। सर कार्रवाई होगी हमारी सरकार का ये जी कार्रवाई होगी जिसकी वजह से देरी हुई, हाँ या ना? नहीं, अगर हमारी तरफ से कोई गलती होगी जरूर होगी, हमारी सरकार में जानकारी अगर कोई देरी की होगी जरूर की जाएगी। सर सर मुखिया जिम्मेदार होता है हर चीज के लिए, ये आपके पार्टी के नेता इन दिनों बयान दे रहे हैं। इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन जब हम पहले वजह में पूछाए आखिर किन कारणों से मतलब ये दे, आखिर वो कोई उसमें जांच का विषय है, कोई अब इस पे भी जांच बिठाएंगे साहब, कि किस तरह से क्या करना है इस पर ही जांच बिठाएंगे साहब। आप डॉक्टर साहब आप देखिए सर ऐसे आएंगे इन्वेस्टर यूपी में, सरकार का विजन, अरे सर विजन की बात कर रहा हूँ बिल्कुल क्लियर है सर। सर लखनऊ में इन्वेस्टर मीट हुआ था ना, ये उसका असर दिखाई दे रहा है आपका जी। एक सेकंड रुकिए ना डॉक्टर साहब, ऐसे आएंगे इन्वेस्टर यूपी में? सर ऐसा है कि अभी इन्वेस्टर समिट की बात आप कर रहे हैं, आप अंदाजा लगाएं कि अभी कुछ दिन पहले बड़ा हल्ला दंगा हुआ था और बहुत करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे इन्वेस्टर्स को बुलाने के लिए, लेकिन ईमानदारी की बात यह है कि जिस इन्वेस्टर जो है वो उत्तर प्रदेश में आना नहीं चाह रहा है, क्योंकि यहाँ के कानून व्यवस्था की हालत क्या है ये मेरे ख्याल से आप भी जानते हैं, इस बात को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। यहाँ मंदी का माहौल है, अनिश्चितता का माहौल है, इसी वजह से यहाँ इन्वेस्टर नहीं आना चाहता। साहब ये तो आंकड़ा लेकर बैठे हुए हैं बहुत पहले। सर मैं बात करना चाह रहा था तिलक भाई कि इन्होंने बहुत बड़े बड़े दावे किए, तमाम विदेशी इन्वेस्टर आएंगे, देश से तमाम इन्वेस्टर आएंगे, लेकिन एक भी कोई नहीं आया, एक भी नहीं आया। नहीं नहीं, आपकी आपकी सरकार के आंकड़े भी बड़े शानदार नहीं रहे। मुझे की बात मैं बताना चाह रहा हूँ, ये रामदेव जी, बाबा रामदेव जी मेरी सरकार की देन है, ये जो फूड पार्क का मसला है ये हम ही लेकर के आए थे। नहीं नहीं बाबा राम आए थे और किसानों के लेके आए थे। नहीं तो आपने एहसान किया था क्या यूपी पे? लेके आए थे, जाहिर सी बात है, एहसान की क्या बात है, हम सरकार में थे, हम लेकर के आए। यहाँ पे विकास की बात कर रहे सर, प्रोजेक्ट 2017 में पूरा होना था, 2017 में पूरा होना था ये प्रोजेक्ट। सवाल सर बात का है, एक साल हो गया बीजेपी सरकार ने इनको एनओसी नहीं दिया, आज बालकृष्ण जी जब एक साल एनओसी नहीं दिया एक साल, तो जाहिर सी बात है नाराज होना स्वाभाविक है। अशोक पांडे जी जवाब देंगे जल्दी से, मैं विकास के पास जा रहा हूँ जल्दी से। अब आदरणीय आदरणीय हमारे सपा के प्रवक्ता महोदय बोल रहे हैं, तो बीच में बोलना मेरी आदत नहीं है। अब आप बताएं क्या, तो मैं जवाब देता हूँ। एक साल समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है कि अपनी पूरी सरकार में सिर्फ पत्थर लगाओ, शिलान्यास करो और काम करके भूल जाओ, कोई काम मत करो। आपका भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है उसको समय सीमा पर काम करने का काम किया है और वो करेगी। हम कोई भी काम खाली दिखावे के लिए नहीं करते, हम उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलना चाहते। उत्तर प्रदेश के अंदर जो पिछली सरकारों ने जो निष्क्रियता दिखाई है, जिसकी वजह से आज उत्तर प्रदेश 200 साल पीछे चला गया है, उसको अग्रणी राज्य के रूप में लाना है, और इसलिए हमारा विजन क्लियर है। हम किसी प्रकार की कोई भी क्रिटिकल अगर प्रॉब्लम आएगी तो उसकी समीक्षा करेगी सरकार। विकास श्रीवास्तव जिस तरह से जल्दी सर एक सेकंड इस पर विचार किया जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। विकास श्रीवास्तव आपको लगता है कि कुछ ना कुछ वजह तो हुई होगी ना, जब बालकृष्ण ने ट्वीट करके बताया कुछ तो पीड़ा हुई होगी, कुछ दिन पहले इनके अध्यक्ष वहां पे पहुंचे, बकायदा रिपोर्ट कार्ड दिया सरकार का,
और अब ऐसी स्थिति आ गई कि उनको ट्वीट करना पड़ा कि भाई हमारा काम भी कर दीजिए साहब, वरना फिर हम जा रहे हैं बोरिया बिस्तरा बंद करके। देखिए ये आपसी खींचतान का मामला है और इसमें दाल पूरी की पूरी काली है। ये लड़ाई है कि जनता पार्टी और रामदेव के अंदरूनी, इसमें बार बार दिखाया भी है चैनल पे, रामदेव जी को लगातार सरकार ने दो रिमाइंडर दिए, जो सरकारी कागजों में जो हीला हवाली हुई है पूरी तरीके से रामदेव जी का खेल है, क्योंकि रामदेव जी ने उनको कंप्लीट ही नहीं किया। विकास श्रीवास्तव, पार्क बन पाता विकास श्रीवास्तव, क्या आप नहीं, आप बिल्कुल क्लियर करिए कि कांग्रेस इस प्रोजेक्ट के पक्ष में है या फिर नहीं है, क्योंकि मसला यहाँ रोजगार का भी है, किसानों का भी है, और आपके अध्यक्ष वहां बैठकर ढोल पीट रहे हैं कि भैया अध्यक्ष के हम जो है कांग्रेस के किसान जो हैं मध्य प्रदेश में 10 दिन में सबका कर्ज माफ कर देंगे। अब आप बताइए कि प्रोजेक्ट के पक्ष में है या फिर नहीं। देखिए कांग्रेस किसानों की समृद्धि के पक्ष में है, मैं आपको इसका जवाब दे रहा हूँ कि रामदेव और सरकार दोनों आपस में नूरा कुशी का एक नाटक खेल रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के पक्ष में है या नहीं है विकास श्रीवास्तव, इस प्रोजेक्ट के पक्ष में है? बिल्कुल पक्ष में है। तो सर बात खत्म हुई, पक्ष में है। तो फिर काय को आप कह रहे हैं कि इनकी बदनामी उनकी बदनामी, आप सीधा कहिए ना कि प्रोजेक्ट लगना चाहिए, जिम्मेदारी सरकार ले, लगना चाहिए पर रामदेव की तरफ से और सरकार की तरफ से पानी दिखाई गई है। अंदर खाने की खबर यह है कि अडानी की एक कंपनी है रुचि सोया करके, रुचि सोया कंपनी जो रामदेव को सोया का प्रोडक्ट दिया, उस कंपनी को खरीदने के लिए अडानी और रामदेव में तगड़ी नूराकोशी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी सर ये इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टिंग के इधर आप प्रोजेक्ट पर रहिए, मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि इस प्रोजेक्ट को लेकर जो बात हो रही है आप उसी का जिक्र करें और बताएं कि क्या कांग्रेस उसके पक्ष में है या फिर नहीं है। मैंने पहले ही कहा कांग्रेस किसानों की समृद्धि के लिए कोई भी प्रोजेक्ट कोई भी सरकार चलाएगी। तो आप अशोक पांडे जी को बोलिए, आपको ये बोलना चाहिए कि साहब ये प्रोजेक्ट सरकार समय सीमा पर पूरा करवाइए, क्लियर होनी चाहिए, आपको इसे पूछना चाहिए। चावला जी कांग्रेस के हमारे मित्र कहा ये नूरा कुश्ती हो, मैं कहना चाहता हूँ तो पूरा का पूरा ये दाल का पूरा पूरा का पूरे कायनात काली कर दी। आपता हूँ कि जिस तरह से कल कारखाने इन्होंने बंद किए, चाहे गोरखपुर की फर्टिलाइजर कंपनी हो, चाहे यहाँ का विक्रम काटन मिल हो, सर आप जो है एक जिले एक प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, आप कितने ज्यादा विकास हुआ, एक सेकंड काम किया है, एक सेकंड अशोक पांडे साहब खाने में विश्वास ही नहीं रखते, ये युवाओं को रोजगार सर, ये क्या कहेंगे। अशोक पांडे जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, तब तक मैं बाबा रामदेव का एक सेकंड अशोक पांडे जी सर आप अपने पूजनीय को नहीं पूछ रहे हैं, एक सेकंड की तरह नहीं सर, आप एक तो रैली शुरू करते खत्म नहीं करते प्लीज। एके मिश्रा साहब प्रताड़ित करने का काम किया था सर, कि जैसे बाबा रामदेव नहीं कोई आतंकवादी हो, इस तरह से कांग्रेस के लोगों ने उनको प्रताड़ित करने का काम सर समझ में नहीं आ रहा। अशोक पांडे जी आप पतंजलि के प्रवक्ता है या बीजेपी के प्रवक्ता है, मेरे को तो ये नहीं समझ में आ रहा। एक सेकंड रुक जाइए ना सर, एक सेकंड जरा सुन भी लीजिए और तब तक जरा ट्वीट चलाइए और दिखाइए कि बालकृष्ण ने क्या लिखा था इनकी सरकार के बारे में। तब तक आप अशोक पांडे जी वो ध्यान से पढ़िएगा, ट्वीट भी चला दीजिए साथ साथ, ये देखिए साथ में चल रहा है। एक मिश्रा साहब एक तरफ इन्वेस्टर बुला रहे हैं और दूसरी तरफ अधिकारी सुस्ती दिखा रहे हैं साहब, और जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं है। चावला जी ये डिबेट जब आपने शुरू की तो सबसे पहले एक बड़ा मर्म स्पर्शी मानवीय पहलू मैं देख लूँ जो न कि पॉलिटिकल है न बिजनेस से रिलेटेड है, इकोनॉमी से रिलेटेड। एक ट्वीट करने पे पूरी यूपी की गवर्नमेंट हिल गई और पूरे एक दिन के भीतर ही डेढ़ साल से लटका हुआ प्रोजेक्ट पास हो गया। काश हमारे देश में ऐसा भी होता कि सड़क एक्सीडेंट में एक तड़पता हुआ आदमी अगर एक फोन कॉल करे, एम्बुलेंस आ जाए और सरकार हिल जाए, और कहीं अगर कोई अपराध हो रहा है तो जो पीड़ित है अगर वो एक फोन कॉल कर दे, इसी तरीके से सरकार हिल जाए सेंटर और वहां की, लेकिन दुर्दशा है। दूसरी चीज यहाँ पे देखने की बात और है,
यूपी इन्वेस्टर समिट हो रहा था, आप ही के चैनल पे मैंने पूरी एनालिसिस की थी और उनके प्लानिंग पार्ट को देख के मैं बड़ा उत्साहित था। एटलीस्ट यूपी में अब चीजें जो है मुझे लगा ढर्रे पे आने लगी है। और यहाँ पे अगर ये देखा जाए कि बाबा रामदेव जिन्होंने बीजेपी को खड़ा किया, एक बहुत बड़ा रोल रहा, अगर उनके साथ ये चीजें हो रही है तो जो छोटे मोटे इन्वेस्टर्स को पैदा करने की कवायद नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं वो कैसे पूरा होगा? हम कैसे यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स को डेवलप कर पाएंगे जिसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट या पूरी कंट्री का फोकस है? तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं ये बोलूंगा, ऐसी जब कोई घटना होती है तो उसका ग्लोबल लेवल पे, नेशनल लेवल पे एक बड़ा साइलेंट सा मैसेज जाता है। पुराने टाइम का मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, महाराष्ट्र में एक जो है डाबोल प्रोजेक्ट हुआ था जिसमें 3 कंपनियां साझेदार थी और एनरॉन प्रोजेक्ट ड्यू टू सर्टेन रीजन एनरॉन कंपनी जो है बैंकक्रप्ट हो गई थी, वो प्रोजेक्ट पूरा खटाई में पड़ गया। इंटरनेशनल लेवल पे क्या इमेज बनी इंडिया की, आप जरा याद करिए। टाटा को जब बंगाल से ममता बनर्जी ने केवल अपने वोट बैंक के लिए भगाया था, पहले तो जमीन दी, इनवाइट किया, उसके बाद किसी और रीजन, पॉलिटिकल रीजन के कारण उन्होंने लगने नहीं दिया, टाटा ने पूरी कंपनी दूसरी जगह शिफ्ट की, कितना उसका कॉस्ट जो है वहां पे बढ़ गया। देखिए देश का विकास करना है तो ये जो राजनेता है ना, मैं इनको ही सबसे बड़ा जो है विकास में बाधक या अड़ंगा लगाने वाला मैं मानता हूँ। राजनीति ये कर सकते हैं, विकास ये नहीं कर सकते हैं। एक साल तक इन्होंने गड्ढे भरे, एक साल के बाद ये प्रोजेक्ट, हालांकि मैं इसको कोई बहुत अच्छा नहीं मानता हूँ कि केवल बाबा रामदेव का काम हो रहा है, छोटे मोटे जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, आप जमीन का एक खित्ता खरीदने चले जाइए 10-10 साल लग जाते हैं कोर्ट में। यहाँ पे तो बालकृष्ण ने ये बोला कि ये तो बड़ा छोटा काम है। बालकृष्ण से जरा आप पूछिए कि आप अपनी जिंदगी में 25 साल पहले बैंक अकाउंट खुलवाने गए थे तो कितने दिन में आपने खुलवाया था? सालों लग गए थे। सवाल ये है, सरकार का रवैया ये है ना, ये पूरे देश में और सारे सरकारों की मैं बात करता हूँ, चाइना से हम कॉम्पीट करना चाहते हैं, अधिकारी लॉबी कैसे सुधारेंगे, ये भी एक सवाल है, अधिकारी लॉबी कैसे सुधारेंगे? नहीं नहीं, पूरे ब्यूरोक्रेसी, पूरे सिस्टम की बात, सवाल का जल्दी से जवाब दीजिए साहब। ये जो ट्विटर हमने चलाया था आपने पढ़ा था, जो बालकृष्ण ने अब जो बोला है पढ़ा आपने? जी, पढ़ा सर, ठीक से साफ नहीं दिख रहा है। अच्छा अच्छा, मैं पढ़ देता हूँ, लेकिन थोड़ा बड़ा देखा है मैंने। अच्छा, एक बार फुल फ्लेम करिए, मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। हाँ ठीक है सर, आप, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। फुल फ्रेम कर दीजिए जरा ट्विटर को, जो ट्वीट किया है बालकृष्ण जी ने, जो ट्वीट किया था जी, आप ध्यान से देखिएगा। आज ग्रेटर नोएडा में केंद्रीय सरकार से स्वीकृत मेगा फूड पार्क को निरस्त करने की सूचना मिली। श्री राम व कृष्ण की पवित्र भूमि के किसानों के जीवन में समृद्धि लाने का संकल्प प्रांतीय सरकार की उदासीनता के चलते अधूरा ही रह गया। पतंजलि ने प्रोजेक्ट को शिफ्ट करने का फैसला लिया है। साहब, इस ट्वीट पर कुछ बोलेंगे आप? दो शब्द चाहूंगा, इस पर बोल दीजिए आप। देखिए देखिए देखिए, हमारी सरकार हुए हैं और ये पिछली सरकारों के, नहीं नहीं, उन्होंने मौजूदा सरकार का जिक्र किया है, अशोक पांडे साहब, उसमें जो देखा सर, मेरी पूरी बात सुन लीजिए, सरकार इसी सारी इन सारी लीकेज को सही करने में लगी हुई है दिन रात। और मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी केंद्र की सरकार हो या उत्तर प्रदेश की सरकार हो, जो अननेसेसरी कानून थे, 1400 से ज्यादा कानून को समाप्त करने का काम किया गया, और इसीलिए सर्टिफिकेट ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुलभता के साथ रोजगार सृजित हो। नहीं नहीं, ये जो ट्वीट हुआ इस पर आप दो शब्द बोलिए, रोजगार सृजित हो गए। लेकिन ये जो ट्वीट हुआ, देखिए तिलक जी, ये कुछ नहीं बोलेंगे, आप हमको भी मौका दीजिए अपनी बात रखने का। सर एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, डॉक्टर साहब आप ही के पास आऊंगा, विकास जी आपके पास आऊंगा, एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के उस पार इसी मुद्दे पर आएंगे। अशोक जी, यही लीकेज का जिक्र मैं करूंगा, इसी लीकेज का जिक्र करूंगा, आपके विधायक सर्टिफिकेट बांट रहे हैं भ्रष्टाचार का। ठीक है सर, ये मैं नहीं कह रहा, आपके विधायक कह रहे, कौन से विधायक है? एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर हो रहे हैं। कथनी और करनी में फ़र्क, क्योंकि एक तरफ आप फरवरी 2018 में एक बहुत इन्वेस्टर मीट बुलाते हैं और कहते हैं कि 4,28,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है, दूसरी तरफ जो सापा सरकार ने इन्वेस्टमेंट किया था उत्तर प्रदेश में, मेगा फूड पार्क बनाने के लिए हमने जो है पतंजलि को ज़मीन दी थी,
आप उसको भी नहीं संभाल पा रहे हैं, और जिस तरह से सुनने को मिल रहा है कि एक बड़ी धमकी पतंजलि फूड की तरफ से दी गई कि हम ये इन्वेस्टमेंट बाहर ले जाएंगे, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सरकार में उदासीनता है इन्वेस्टमेंट को लेकर। तो बार बार सवाल उठ रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कार्यप्रणाली पर कि इनका कोई स्पष्ट एजेंडा नहीं है, ना उद्योग पे और ना रोजगार पे। आप देखिए, इससे पहले जो इन्वेस्टर्स मीट हुई थी, मैं तो सवाल करता हूँ आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश की सरकार से, क्या वो बता पाएंगे कि फरवरी में इन्वेस्टर्स मीट हुई थी और कितना निवेश हुआ उत्तर प्रदेश में? सरकार उद्योग के मामले पर विफल है। तो यहां सवाल एक बार फिर से खड़े हुए योगी सरकार पर, मसला पतंजलि के फूड पार्क से जुड़ा है। आपको बता दें कि मुद्दे की बात में जो हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, एके मिश्रा साहब जुड़े हुए हैं, जो हमें बता रहे हैं कि इसका असर क्या पड़ेगा निवेश के हिसाब से। और साथ साथ हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं अशोक पांडे साहब, बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, विकास श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की ओर से अजीज खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि समाजवादी पार्टी की ओर से पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। अजीज खान साहब, ये तो कह रहे हैं साहब आप लोग ही जिम्मेदार हैं, आप लोग लेकर आए काम आपने पूरा नहीं करवाया, आप हमारे ऊपर ठीकरा फोड़ रहे हैं। आप भी जानते होंगे और मेरे ख्याल से प्रदेश की जनता भी इस बात को समझती है कि हमने क्या किया। हमने तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ला करके उत्तर प्रदेश में खड़ा कर दिया, बाबा राम जी बाबा रामदेव का फूड पार्क, इतना बड़ा फूड पार्क, और उसके लिए हमने 450 एकड़ जमीन भी दिया, सारी प्रक्रिया को शुरू भी करा दिया, शिलान्यास भी करा दिया। लेकिन ईमानदारी की बात है कि एक साल हो गया इन्होंने एनओसी तक नहीं दिया। आज जिस तरीके से बाबा रामदेव जी और कृष्णन जी जिस तरीके से हताश और निराश है, जाहिर सी बात है कि इसको देख करके उनका मनोबल गिरेगा, इस प्रदेश में वो आना नहीं चाहेंगे। ये सबसे बड़ी विफलता है बीजेपी की, एक बात। दूसरी बात, मैं बीजेपी के सहयोगी से जानना चाहता हूं कि इन्होंने जो इन्वेस्टर्स मीट किया था उसमें कितने से और इस देश से कितने, एक सवाल मेरा है। और साथ ही साथ जो मोदी जी ने एक नारा दिया था, एक मंत्र दिया था कि मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया था और जो मिशन था आज किस लेवल पे है, ये भी मैं जानना चाहता हूं। सवाल इस बात का है जो कह रहा है, जो बीजेपी कह रही है, इनके करने में और करने में और कहने में बहुत बड़ा सवाल इस बात का है कि आज जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने यहां पर किसानों के हित को देखते हुए बाबा रामदेव जी का फूड पार्क यहां पर एस्टेब्लिशमेंट करने की कोशिश की थी, उसको पूरी तरह से इन्होंने धराशायी करने का प्रयास किया है। और उसके साथ साथ हमने सोचा था कि किसानों का बड़ा है इसमें रहेगा, हित रहेगा किसानों का, और साथ ही साथ बेरोजगारी का जो मुद्दा, कहीं 10,000 से 15,000 जो नवयुवक है वो कम से कम उनको रोजगार मिलेगा। विकास विकास कि जब सरकार की नीति ही ठीक 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 आप कह रहे हैं ना, नीति सही है ना नीयत सही है, इस वजह से ये कुछ हुआ। एक सेकंड विकास, आपके अध्यक्ष तो इन दिनों किसानों के हमदर्द बने हुए हैं, तो आप नहीं चाहेंगे कि ये प्रोजेक्ट जल्द से जल्द शुरू होना चाहिए, और ऐसे में ये आंदोलन करने का एक और मौका सरकार ने दे दिया आप लोगों को? देखिए, किसानों की समृद्धि के लिए, विकास के लिए कांग्रेस पार्टी लगातार आवाज उठाती रही, पर आप इसमें इसकी जड़ में नहीं जा रहे हैं। ये मामला केवल ग्रेटर नोएडा का ही नहीं। सर देखिए, मैं अभी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टिंग में नहीं जाना चाह रहा। सर एक सेकंड, आरोप प्रत्यारोप ये आप लोगों की मजबूरी होगी, लेकिन मैं सिर्फ किसानों के मुद्दे पर रहना चाह रहा हूँ, मैं निवेशकों के मुद्दे पर रहना चाह रहा हूँ। किसानों से ही जुड़े मैटर की बात मैं कर रहा हूँ। तिलक जी, मिर्जा मथुरा और तीनों जगह के प्रोजेक्ट को उत्तर प्रदेश की सरकार जो कह रही है कि हमें प्रोत्साहन देना है व्यापारियों को और यहाँ पर इन्वेस्ट कराना है, पर ये तीनों केवल रामदेव रोक रखा है, तमाम सारी कंपनियों के प्रोजेक्ट को रोक रखा है। कहीं कमीशन खोरी का मामला है तो कहीं पर तमाम सारी हिला वाली है, और दिल्ली और राज्य सरकार के बीच में एक संघ के बड़े प्रतिनिधि है। नहीं, पहले बताइए सरकार कुछ कर रही है या नहीं कर रही है, फैसले होते हैं। सरकार कुछ कर रही है या नहीं कर रही है भाई? सरकार के मुखिया क्या कर सकते हैं जब संघ के एक बड़े प्रतिनिधि जो बैठते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, और उनके लोग दिल्ली में बैठते हैं, दिल्ली की भाजपा के अंदर बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री के फैसले बदल देते हैं। आपने देखा कि बनारस में फ्लाईओवर गिरा है, अभी तक FIR किसके नाम लिखी जाएगी नहीं पता चल रहा है। एक अधिकारी जो खुद भ्रष्टाचार में पूरी तरह अखंड डूबा हुआ था, उसी को जांच सौंप दी गई, और जब हमने समाचार प्लस पे आवाज को उठाई तो दूसरे तीसरे दिन उसको सस्पेंड करना पड़ा।
आप इन्वेस्टिगेशन पे मत जाइए, पर इसके पीछे तमाम सारी ये बीजेपी के जो बिजनेसमैन लॉबी है, विकास श्रीवास्तव, विकास श्रीवास्तव, विकास श्रीवास्तव, विकास श्रीवास्तव, अडानी की एक कंपनी, विकास श्रीवास्तव, प्रयास रामदेव जी, विकास श्रीवास्तव, मैं आपसे फिर दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आपकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टिंग हम किसी दिन बाद में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन आप जिस मुद्दे पर है मैं उसी पर रहना चाह रहा हूँ। किसानों के मुद्दे पर हमें जो करना पड़ेगा सर, कर रहे हैं सर, आपके पास मौका दिया है किसानों के लिए, 10 दिन में आप कर्जा माफ कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, तो यहाँ सड़कों पर उतर जाइए। एक सेकंड अशोक पांडे साहब, जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी ना किसी को। देखिए, हाँ देखिए, हमारी सरकार, हमारी सरकार कि हमारी सरकार जब हुआ है आए हुए, बराबर इन सारे लोगों जो पिछली सरकारों के किए हुए कार्य थे, उनकी सरकार में बैठे हुए जो अधिकारी थे, उन्हीं से काम लिया जा रहा है और तरह के उनकी कार्य करने की क्षमता है, उनको सही करने का। आप मुख्यमंत्री के फैसले को पलट देते हैं, एक संघ के बड़े नेता मुख्यमंत्री के फैसले पलट देते हैं, डिप्टी सीएम अधिकारी को हटाने के करते हैं, इसके बाद वो वापस वही बैठा है, जाते हैं लगातार। स्वराज जी एक सेकंड सर, आप लेट आए, हमने नहीं लेट शुरू किया, एक सेकंड। उसमें लोन लिया हो कांग्रेस के मित्र ने, हुए बड़ी चतुराई के साथ कांग्रेस के जमाने में घोटाले हुए। सर सर एक सेकंड, एक सेकंड, अंबानी न जाने कितने सर, एक सेकंड, लोगों के नाम, एक सेकंड, अशोक पांडे साहब, अशोक पांडे साहब प्लीज एक सेकंड, कोशिश करते हैं। नहीं नहीं, मेरे को जल्दी से दो सवालों का जवाब दे दीजिए, आप इधर उधर की बात मत करिए, आप मुद्दे पर आइए। अरे सर, आपने नहीं किया ना भ्रष्टाचार, तो जवाब दीजिए ना। को बढ़ावा देने का काम किया है और खुद इनके नेता राहुल केस में, ऑडियो नीचे करिए, मैं रैली नहीं सुनूंगा सर, मेरे को भाषण नहीं सुनना, तथ्यों पे बात करेंगे तो जनता सुनेगी आपको, जब तथ्यों पे बात करेंगे तब आइएगा। एक सेकंड, एके मिश्रा साहब जी, क्या निवेशक जब आता है तो इस तरह से अपनी बात को, जब पीड़ा को बयां करता है, तो इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? देखिए चावला जी, अगर साइंटिफिक एनालिसिस की जाए तो किसी भी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए गवर्नमेंट को जो चाहिए कंपोनेंट कितने होते हैं सर, देखिए एक एनवायरनमेंट में एक गवर्नमेंट होती है, पब्लिक होता है, इन्वेस्टर होते हैं और ब्यूरोक्रेसी होती है, यानी डिफरेंट ऑफिसेज और कर्मचारी हैं जो कि फैसिलिटेट करते हैं सर्विसेज को जी। मुझे ये लगता है कि ये गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट इंडिया, इंडियन इकोनॉमी की एक बहुत बड़ी सारी चीज होते हुए, मतलब मैन पावर है, स्किल है, रिसोर्सेज है, लेकिन सारी चीजें जाके कहीं ना कहीं जो प्रोसेस, एक स्मूथ प्रोसेस पूरा डेवलप करना चाहिए कि ए टू जेड, मतलब किसी ने अप्लाई किया किसी इंडस्ट्री के लिए या किसी चीज के लिए, और वो जो है पूरा प्रोसेस से गुजरता हुआ कितने जल्दी और स्मूथली जो है वो कस्टमर के पास या एप्लीकेशन डालने वाले के पास पहुंचता है। ये एक बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, नो मैटर एक साल में ये गड्ढे तो भर नहीं पाए। ये विकास की बात कर रहे हैं बीजेपी वाले, सिस्टम आप डेवलप कर नहीं पाए हो सर, तो उसका आउटपुट या रिजल्ट आपको कहां से मिलेगा? यही ये एग्जांपल है जो आज आपके सामने ये दिख रहा है, बाबा रामदेव जी का जो रोष है, सिस्टम ही नहीं है। एक साल से फाइल आपकी पड़ी हुई है, वो तो बाबा रामदेव जी का इसलिए हो गया कि वो इतने इन्फ्लुएंशियल है। आप जरा छोटे पैमाने पे जाके देखिए, जो छोटे इन्वेस्टर है, एमएसएमई पे फोकस कर रही है बीजेपी, उन लोगों का क्या हुआ होगा, उनकी फाइलें कहां पे अटकी हैं सर? आदमी चक्कर लगाते लगाते मर जाता है। यानी अधिकारी लॉबी इसके लिए जिम्मेदार है सीधे तौर पर? नहीं, केवल अधिकारी नहीं है वो। देखिए मैंने एक चीज बोला था कि चुनाव के पहले तक सारी पॉलिटिकल पार्टियां जो है सबके लिए कॉमन होती है, लेकिन चुनाव होने के बाद, जीतने के बाद, सरकार बनाने के बाद वो सिलेक्टिव हो जाती है, यानी उनका अपना फोकस टोटली चेंज हो जाता है। वो कॉमन मैन के लिए जो फोकस होना चाहिए ओवरऑल डेवलपमेंट सिस्टम के लिए, वो नहीं होता है, केवल अपने अपने लिए वो जो है एकदम कंसंट्रेट हो जाते हैं। ठीक है स्वराज जी जी, इन दिनों हमदर्द बने हुए सब किसानों के जी, राहुल गांधी मध्य प्रदेश में बयान दे रहे हैं, अपनी पीड़ा का इजहार कर रहे हैं, किसान सड़कों पर उतरे हुए हैं, ये अपने वादे गिनवा रहे हैं। अब ये फूड पार्क जिसका असर सीधे तौर पर किसानों पे पड़ेगा पड़ेगा। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ सबसे बड़ी, कि ये जो पतंजलि है, जो फूड पार्क आया है बाबा रामदेव जी का, ये यमुना प्राधिकरण में रोजगार के लिए पहला प्रोजेक्ट था।
और किसानों ने अपनी सस्ती जमीन सिर्फ इस आशय से ये दी गई, बिना किसी विरोध के, बिना किसी निर्विवाद के, सिर्फ एक रामदेव को यमुना प्राधिकरण में इसलिए जमीन मिली क्योंकि आज तक यहाँ बिल्डर आते रहे या इंस्टीट्यूशन आते रहे, किसानों की जमीन चली गई, एक बच्चे को भी रोजगार नहीं मिला। क्षेत्र को यह आशा हुई थी कि अगर बाबा रामदेव का यहाँ पतंजलि चलता है फ्रोड पार्क, तो हजारों दस हजारों बच्चों को, क्षेत्रीय बच्चों को लाभ मिलेगा। मैं भी उनकी मुहूर्त में गया था, मैंने आचार्य जी से हाथ जोड़ करके निवेदन किया था कि क्षेत्र के किसानों, विशाल हृदय करके आपको जमीन दी है और आप यही के क्षेत्र के किसानों को, बच्चे को नौकरी देना, क्योंकि आज किसानों के बच्चे 6-6 हजार रुपए में नौकरी करते हैं, फिर 6 महीने में ब्रेक दे दिया जाता है, सिक्योरिटी गार्ड में 12 घंटे की ड्यूटी लेते हैं, मात्र 6 हजार रुपए देते हैं, जमीन चली गई, मुआवजा लुट गया, किसान भूखे मरने के कगार पर है जिनकी जमीन एक्वायर हुई है, तो वो उनको कोई अलग से सुविधा नहीं दी गई। यमुना प्राधिकरणों ने भी, अधिकारियों ने या तो उससे जो पूर्व अधिकारी थे अपनी जेब भरने का काम किया, प्राधिकरण के पैसे को लुटाने का किया, जो FIR हुई है बहुत बड़ी तर्ज पर, और बिल्डरों को जमीन दी, एक भी कंपनी नहीं आई। पहली कंपनी रोजगार की बाबा रामदेव की आई थी, अगर ये कंपनी यहाँ से वापस जाती है तो पूरे क्षेत्र को, कई जिलों को, आसपास के जिलों को बहुत बड़ा झटका लगेगा इसका। अशोक जी समझ रहे हैं आप, मैं आ रहा हूं डॉक्टर साहब आपके पास, ये पीड़ा है किसानों की जिनके जख्मों पर मरहम लगाने की बात कर रहे हैं आप। आवाज कर दीजिए साहब अशोक जी की, मेरी दरख्वास्त है आप लोगों से, आवाज करिए अशोक जी की। रोजगार प्राप्त हो लगे, अगर हमारी सरकार का ये विजन नहीं होता तो गोरखपुर में फर्टिलाइजर कंपनी जो उसको फिर से चालू करने का काम नहीं करते। हमारी सरकार प्राप्त हो, पिछली सरकार ने, कांग्रेस के जमाने में जितनी सरकारें रही है, जिनकी जमीन एक्वायर की है कितने बच्चों को रोजगार दिया अभी तक? तो आज भारतीय जनता पार्टी इन समझते हुए लोगों को रोजगार देने के लिए मुद्रा उनको लोन मुहैया करा रही है, अशोक पांडे साहब, अशोक पांडे साहब, अशोक जी और क्या चाहिए? अशोक जी अब मैं बताता हूँ क्या चाहिए, आप पूरा हिसाब किताब मेरे को दे दीजिए जल्दी से, दो सवालों का जवाब दीजिए। पहला सवाल ये कि आपकी सरकार आने के बाद कितना रोजगार दिया आपने, आंकड़ा दीजिए। हमारी सरकार आने के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 20 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ। कितना सर? 20 लाख। मैं समझा नहीं, एक सेकंड, रोजगार दिया आपकी सरकार ने जितने किसानों की जमीन एक्वायर किया उनको कितने को आप रोजगार दे पाए, कितनी कंपनी लगा पाए यमुना प्राधिकरण? एक सेकंड सर, वो डॉक्टर साहब आपको हिसाब देंगे स्वराज जी, एक सेकंड। अशोक पांडे जी, जिन किसानों की जमीन एक्वायर हुई है उनको कितना रोजगार दिया उनकी बताएं। एक सेकंड प्लीज एक सेकंड। फसल बीमा पे कंपनियों का लाभ हो रहा है, मैं यमुना प्राधिकरण में छिल के किसानों को रोजगार की बात कर रहा हूँ। ये बड़ी समस्या है अशोक पांडे जी, आपको किसानों को दिक्कत पैदा करते थे अशोक पांडे जी, आप कहां मुद्दे से अलग जा रहे हैं? स्वराज जी एक सेकंड, आप आ जाइए, मैं बाहर चला जाता हूँ, आप पूछ लीजिए। एक सेकंड स्वराज जी प्लीज, अशोक पांडे जी अगर मुद्दे पे बात करना चाहते हैं तो मैं मुद्दे पे बात करूंगा, वरना फिर मैं डॉक्टर साहब के पास जा रहा हूँ। मुद्दे पर जवाब दीजिए साहब, मैं मुद्दे पर पूछ रहा हूँ कितना रोजगार दिया आपकी सरकार ने, मेरे को चक्कर आ गया सुन के, सवाल दोबारा पूछ रहा हूँ, जवाब दीजिए ना। मैंने कहा ना कि उत्तर प्रदेश के अंदर मुद्रा लोन कौशल विकास के तहत लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ। सर कितना निवेश हुआ उसका आंकड़ा बता दीजिए मुझे, है आंकड़ा प्रति व्यक्ति आय कितनी है यूपी की, ये बता दीजिए मुझे। अगर निवेश नहीं हुआ तो हम निवेश के लिए तो लगे, हमने सबमिट बुलाई तो हमारी सरकार। सर अभी ऐसे कई ट्वीट आएंगे, एक सेकंड डॉक्टर अजीज, क्योंकि इसलिए लोग विवाद नहीं करना चाहते थे कि उत्तर मुझे भी बोलने मौका दिया सरकार, एक सेकंड को सही करने का काम। सर आपको अभी एक बयान सुनाऊंगा ना, आपको इतनी शर्म आएगी कि हो सकता है कि आपको बयान सुनने के बाद ये पैनल से खड़े हो जाएं। एक सेकंड प्लीज,
अशोक पांडे प्लीज, अशोक पांडे प्लीज, अगर सुनवाई चाहते हो तो हरियाणा के मुख्यमंत्री का कृषि मंत्री का बयान क्या कह रहे हैं किसानों पर वो। एक सेकंड। अरे चिल्ली चिल्ला से कोई चिल्लाने से तो सर प्लीज एक सेकंड, बात सामने नहीं आ पाती। प्लीज एक सेकंड। डॉक्टर साहब तिलक जी, डॉक्टर साहब सरकार की गलती है अधिकारियों की गलती है? देखिए सब सीधी बात आपको बता दूं कि आप ऐसे हैं कि अधिकारी पर पूरी तरह से सरकार का नियंत्रण खत्म हो चुका है और इसका जीता जागता एग्जांपल है कि अभी थोड़े दिन पहले टीटी के अभ्यर्थी जिस तरीके से उन्होंने प्रदर्शन किया यहां पर, जिस तरीके से लाठियां खाई और उनका एक प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री महोदय से मिलने गया, मुख्यमंत्री महोदय ने निर्देशित किया राज प्रताप सिंह जी को और उसके वो प्रतिनिधि मंडल जो है वो राज प्रताप सिंह से वो मिलने से मना कर, यानी मुख्यमंत्री की बात को उन्होंने टाल। सवाल इस बात, मंत्री हो विधायक हो हर वो यही कहता है लगातार, उसकी शिकायत है कि आज जो है इस प्रदेश में पूरी तरह से सरकार की बात, मुख्यमंत्री की बात, विधायकों की बात अधिकारी नहीं सुन रहा है। ये मैं आपको तिलक जी बताऊं। दूसरी बात आपको बताऊं, आज डर है, खौफ है, आज विधायक को धमकाया, मंत्रियों को धमकाया जा रहा है। हालात इस बात का है कि जिस तरीके से कानून व्यवस्था पूरी तरह से तार-तार हो रहा है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? यहां पर निवेश आएगा? यहां पर निवेश कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि जो भी करता है वो जाहिर से बात है वो देखता है कि वहां आप निवेशकों को डरा रहे हैं, क्या स्थिति है डॉक्टर साहब? निवेशकों को डरा रहे हैं क्या? निवेशकों को डरा रहे हैं क्या? अशोक पांडे जी प्लीज एक सेकंड, अशोक पांडे जी प्लीज एक सेकंड, डॉक्टर साहब निवेशकों को डरा रहे हैं क्या आप? जी सर डरा नहीं रहे, जिंदगी की जमीन जमीनी हकीकत। अच्छा अपना तजुर्बा साझा कर रहे हैं, अपना अनुभव साझा कर रहे हैं, तजुर्बा साझा। देखिए सर एक बात, इनका सिर्फ इन्होंने क्या किया है, शिलान्यास पे शिलान्यास, ये सिर्फ क्या कर रहे हैं, इनका काम है उद्घाटन पे उद्घाटन। अब तजुर्बा की बात है कि हमारे कानून व्यवस्था को ले ले, हमारे विकास की बात को ले ले, ठीक है आज भी उदाहरण है, ठीक है ठीक है ठीक है सर, हमने सर व्यवस्था बढ़िया होती तो इनको मौका नहीं मिलता। एक सेकंड विकास की बात, एक सेकंड डॉक्टर साहब हो गया ना, एक सेकंड अशोक पांडे जी एक सेकंड। आदरणीय अपने सपा के मित्र से कहना चाहता हूँ कि ये योगी आदित्यनाथ की सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये सपा सरकार नहीं है जिसमें 3.5 मुख्यमंत्री हुआ करते थे, ये 3.5 मुख्यमंत्री वाली। देखिए अशोक जी एक सेकंड सर, एक सेकंड प्लीज, ना 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 प्लीज 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 एक सेकंड प्लीज एक सेकंड प्लीज एक सेकंड नहीं नहीं उसका जो है उद्घाटन अशोक पांडे जी प्लीज एक सेकंड, को अंजाम में पहुंचा के उसका उद्घाटन भी किया जाएगा, हम विकास में विश्वास रखते हैं। सर एक सेकंड विकास श्रीवास्तव, विकास श्रीवास्तव आप एक सेकंड, अशोक पांडे प्लीज एक सेकंड, प्लीज एक सेकंड, विकास श्रीवास्तव सीधा मेरा सवाल आपसे यह है कि इस तरह के मुद्दे क्या आपको लगता है कि निवेशक अगर ये देख रहे हैं तो उसका असर कहीं ना कहीं उस पर पड़ेगा जो यूपी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं? सर निवेशक यूपी में निवेश करना चाह रहा था तभी समय, पर मैंने आपसे बताया ना कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो कॉर्पोरेट लॉबी जिन्होंने इनको मदद किया था और सरकार बनवाई थी आपस। सर यूपीए सरकार के वक्त भी ऐसे आता था, सर यूपीए सरकार के वक्त भी ऐसे बोलते थे, पर कहीं कोई विकास नहीं रुका। आपके सम्मानित चैनल में खुद आपने जांच किया है, दी है, कहीं भी कमी रुकी नहीं, इन तीनों में से कौन है सबसे बड़ा हमदर्द किसानों का, जरा समझाइए हमें। तीनों में से कोई भी किसानों का हमदर्द नहीं, किसानों का आज किसान हड़ताल पे है, 6 दिन हो गए। हमारे मुख्यमंत्री हरियाणा ये कहते हैं किसान के पास मुद्दा नहीं, राधा हमारे जो कृषि मंत्री है राधा मोहन जी वो ये कहते हैं मीडिया में छाने के लिए किसान आंदोलन कर रहा है, किसान अपनी 10 साल की गाड़ी कमाई को ऐसे बहरा, सड़कों पे दूध को बहरा, सब्जी को बहरा, फल को बहरा, और ये लोग किसानों पर सिर्फ राजनीति करते हैं। और मैं बता रहा हूँ जो विपक्ष में होता है वो किसानों का हमदर्द होता है, जो सत्ता में चला जाता है वो किसान को भूल जाता है।
भाजपा का भी किसान मोर्चा किसान के लिए आवाज उठा रहा, उसको भाजपा को किसान इकाई मोर्चा भंग कर देना चाहिए, अगर किसान के हक में नहीं बोल सकता है तो। किसान खून के आंसू रो रहा है, एक सेकंड ऐसे नहीं कहा, मजाक उड़ा रहे, पतंजलि यहाँ से जा रहा है, रोजगार ठप हो रहा है क्षेत्रों का, रोजगार में बोल नहीं रहे, किसानों ने बड़ा हृदय करके अपनी सारी पुस्तकें, ऐसे नहीं होगा, प्लीज ऑडियो नीचे करिए लखनऊ से, एक सेकंड ए के मिश्रा साहब जी, अब इसका असर क्या पड़ेगा निवेशकों पर जो ये सामने रिजल्ट आया? चावला जी मैं आपको बताऊं, निवेशक को अट्रैक्ट करना क्वेश्चन, अगर हम लोग अपने आप से ये पूछे कि कोई क्यों आकर के आपके यहाँ इन्वेस्ट करे, आप एग्जांपल लीजिए, मैं आपको या किसी को बोलता हूँ भाई आप ये 10,000 रुपए लो और जाके सीरिया में इन्वेस्ट कर दो, जाके सोमालिया में इन्वेस्ट कर दो, इन देशों में कोई भी आदमी 5,000 का भी इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। मेरे कहने का मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल पॉजिटिव परसेप्शन आपको डेवलप करना होता है, हालांकि हमारे यहाँ वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी अभी जो प्रॉब्लम है वो एक ऐसे चैलेंजेस है ना, कोई इन्वेस्टर क्यों आएगा, वो देखेगा ब्यूरोक्रेसी, बाबूगिरी यहाँ पे इतनी है, एक फाइल आप दे दो, 2-2 साल तक फाइलें नहीं क्लियर होती हैं, ठीक है बातें आप कुछ कर रहे हो, आप प्रोजेक्ट बना के दे रहे हो, लेकिन ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है, इतना जंजाल बुना हुआ है और कोई निवेशक इन सब माहौल में नहीं आता है, उसका परसेप्शन इतना पॉजिटिव नहीं बन पा रहा है, स्पेशली पूर्वोत्तर राज्यों यूपी और बिहार इन सब को देखें, क्योंकि अभी भी देखिए राजनीति करने में इन प्रदेश के लोग बहुत आगे हो सकते हैं, लेकिन इकोनॉमिस्ट इकोनॉमी को मैनेज करना, इकोनॉमी को ग्रो कराना, मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत साइंटिफिक अप्रोच वाला कोई नेता, भले ही वो फाइनेंस मिनिस्टर हो, यूपी के एग्रीकल्चर मिनिस्टर हो, बहुत सारी चीजें आप इन लोगों से पूछ लीजिएगा तो इनको बेसिक इकोनॉमिक्स की भी चीजें नहीं पता है, फाइनेंस मिनिस्टर होते हुए भी ये पॉलिटिक्स करते हैं, होम मिनिस्टर की तरह ये काम करते हैं। मैं पूछता हूं इतनी बेसिक चीजें जो होती है इन्वेस्टमेंट के लिए वो आज तक क्यों नहीं डेवलप, मैं सारी गवर्नमेंट से पूछता हूं, 70 साल से ज्यादा का टाइम हो गया, 80 से ज्यादा जो है एमपी यूपी से बैठते हैं, इतने रिसोर्सेस, चावला जी मैं फिर बोलता हूं मेरे हमारे पूरे देश में रिसोर्स और टैलेंट की कमी नहीं है, ये जो मिसमैनेजमेंट है ना ये हाईजैक कर लेते हैं नेता लोग सिस्टम को। ठीक एके मिश्रा साहब एक सेकंड अशोक पांडे साहब आपका खत्म हुआ साहब, सर ये आपकी रैली नहीं चल रही है और मेरे कार्यक्रम में ये संभव नहीं है। अशोक पांडे साहब एक बयान सुनाता हूँ, अशोक पांडे साहब सुनना चाहते हैं, अशोक पांडे साहब जरा इनको एक विंडो पर लीजिए, अशोक पांडे जी को एक विंडो पर लीजिए जरा एक सेकंड, अशोक पांडे मेरी आवाज सुन रहे हैं आप, अगर आप सवाल का जवाब देना चाहते हैं तो आप सवाल का जवाब दीजिए, वरना मेरी दरख्वास्त है आपसे कि आप दूसरों को डिस्टर्ब मत करिए प्लीज, और मेरे सवाल का जवाब मैं आपसे इसलिए चाहूंगा, ये बयान को ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है कि आपको शर्म आए और आप वहां से खड़े होकर चले जाएं, ये बयान सुनाइए इनको। यहाँ तहसील की हालत बेस्याले से भी बदतर कर, ये भ्रष्ट इस तहसील बेस्याले भी सबसे अच्छा है, बेस्याओं का एक धर्म होता है कि पैसा लेने के बाद रात भर नाचती है, और ये पैसा लेने के बाद भी अपना नाच भी बदल देते हैं। बेस्याओं से पत्र है, मेरा आवाज से नारा एकदम बुलंद होगा, जो एक बार जोर होगा तो जिंदगी भर जेल में रह जाएगा, जिंदगी भर जेल में रहूंगा। घूस मांगो तो घूसा दो, घूस मांगे तो घूसा दो, नहीं माने तो जूता दो। मैं कहता हूँ कि इसकी दवाई यही है, आवश्यकता पड़ेगी तो फिर जेल में चलेंगे, हम सत्ता में रहते भी जेल में चलेंगे। यहाँ तहसील की हालत बेस्याले से भी बदतर कर दो, ये भ्रष्ट। अशोक पांडे शर्म आई आपको, ये कौन सा नगीना है आपका? देखिए नगीना क्या है, बस ठीक है, उन्होंने अपने मन के गुबार निकाला, लेकिन भारतीय जनता गुबार निकाला, ये आपके अधिकारियों की तुलना किससे कर रहे हैं बोल सकते हैं? आप बोलेंगे, आप बोलिए, आपको मैं चुनौती दे रहा हूँ कि आप इस मन से बोलिए कि किससे तुलना कर रहे थे आपके अधिकारियों की। भारतीय जनता पार्टी जो यकीन नहीं करता। अशोक पांडे अगर आप तुलना कर सकते हैं जिस शब्द का इस्तेमाल किया आपके विधायक ने, आप करिए तुलना, करेंगे तुलना इस मन से बैठ के कि आपके विधायक जिस अधिकारियों से तुलना कर रहे हैं? विधायक जी ने कहा है तो ये उनका व्यक्तिगत बयान होगा। सारे खिलाड़ी निकालिए, आपके इसी नगीने के 10 बयान मिल जाएंगे आपको ऐसे। ठीक है, फाइनल कमेंट।
डॉक्टर अजीज साहब जल्दी से, मेरे पास समय खत्म हो गया। बात समझो जो अभी महोदय कि घूस मांगे तो घूस दो, कल ये बीजेपी का इनके विधायक यही सुरेंद्र ये महिलाओं से मनोवैज्ञानिक तरीका बता रहे थे। चलिए ठीक ठीक, 10 सेकंड चिल्ला एक मिशन, 10 सेकंड समय खत्म हो गया, प्लीज प्लीज प्लीज। चावला जी क्या है, जो विकास होता है विकास करने के लिए और इन्वेस्टर को हमें अट्रैक्ट करने के लिए बहुत इंटीग्रेटेड वे में बड़ा स्मूथ पूरा सिस्टम डेवलप करना होगा, हर कंपोनेंट को बहुत एक्टिव करना होगा, तभी इन्वेस्टर आएंगे, अदरवाइज जो फाइल एक साल में क्लियर होती है कोई आने वाला नहीं। क्या करना चाहिए जी, 10 सेकंड जल्दी। मेरा सिर्फ इतना कहना है, यमुना प्राधिकरण के क्षेत्र के पूरे किसानों का दुर्भाग्य, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार को बाबा का जो ये प्रोजेक्ट पतंजलि फूड पार्क है यमुना प्राधिकरण में पहला आया है रोजगार का, इसको यहाँ से किसी भी कीमत पर नहीं जाने जाने चाहिए, भले कोई होना चाहिए, सरकार को नहीं देने चाहिए यहाँ से प्रोजेक्ट को किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर नहीं जाने देना चाहिए। नहीं, इजी ऑफ डूइंग बिजनेस का ये एग्जांपल है जो हमारे पीएम बोलते हैं। आप भी बोल दीजिए ना साहब, क्या पता सरकार आप लोगों की सुन ले। जी पूरा चलिए, तकनीकी दिक्कत आ रही है बहुत ज्यादा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, एके मिश्रा साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर स्वराज साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, साथ साथ अशोक पांडे जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, विकास श्रीवास्तव आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अजीज खान आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मुद्दे की बात यहां पर यह है कि जो उदाहरण सामने आया है वो कहीं ना कहीं सरकार के लिए दिक्कत जरूर खड़ी करेगा, लेकिन इतना जरूर है कि योगी की गंभीरता को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि फिलहाल जो गुरु मान गए हैं और वो किसी भी कीमत पर इतने बड़े प्रोजेक्ट को यूपी से बाहर नहीं जाने देंगे। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे कुछ ऐसे मुद्दों के साथ, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।